अरे भाभी साहब, काय हुयो, काय सोच रहे हो? अरे ननद भाई साहब, मैं तो वो सोच रही हूँ कि शाम का खाना के मायने काय बनाऊं। अरे बस इतनी सी बात? अरे भाभी साहब, आप नया नया हो, ई वास्ते आपने ध्यान कोनी। बाकी अटे आपा के घर के मायने शाम का सिर्फ दाल चावल ही बने। दाल चावल? हाँ, सिर्फ दाल और चावल, और काय कौन बनानो। दरअसल काही है कि पहली मम्मी सुबह भी सब्जी रोटी बनाती, शाम का भी सब्जी रोटी बनाती। भैया जॉब करता, पापा भी जॉब करता और मैं भी पढ़ाई करती, तो मैं कोई मम्मी की हेल्प कर कौन पाता। तो मम्मी अकेली किचन के मायने परेशान होती रहती, तो मैं सब मिलर और नियम बनायो कि शाम का मैं सिर्फ दाल चावल ही खावा, ताकि मम्मी ने भी थोड़ा सा आराम मिल जाए और खुद के वास्ते टाइम भी मिल जाए। अच्छा, और बस धीरे धीरे माक लोगों की आदत ही पड़ गई। अब तो मैं सब शाम का बस दाल चावल ही खावा, दूसरी चीज माने भावे भी गोनी। ई वास्ते थे काई मत सोचो, थे तो बस दाल चावल बना दो। थे काई नया आया हो नहीं, हाल ही वास्ते थाने ध्यान गोनी। ठीक है, तू अट रसोई में काई कर रही है? अरे मम्मी, मैं तो भाभी ने बता रही हूँ कि अपन घर का नियम काई काई है। भाभी नया है ना, इन्हें कुछ ध्यान कोनी, तो बस वो ही बता रही। भाभी ने घर का काम वाम सब बताबा के वास्ते हाल में जीवती बैठी हूँ, समझी? बीनणी ने सब घर का तौर तरीका काम वाम में मत ही समझा दे, तू जा पढ़ाई कर थारी, जा। अच्छा भाई, ठीक है थे बता दो, मैं जाऊँ मेरी पढ़ाई करवाने। ठीक है भाभी। बीनणी? हाँ मम्मी जी। शाम का खाना के मायने दाल चावल बनाना है। हाँ हाँ, और साके एक चटनी भी बनानी है। चटनी? हाँ चटनी, और साके थोड़ी रोटी भी बनानी है। कोरा दाल चावल माँ के घर के मायने अटे कोई कौन खावे, समझ कर ने? सब जना दाल चावल के साके दो दो रोटी भी लेवेला, और रोटी के वास्ते चलो सब्जी की जरूरत कोनी, दाल है कन्ने एक चटनी हो जाई, ठीक है ना? तो ऐसा काम कर लियो फटाफट, है ना? और एक बात और बीनणी, थे नया नया हो जो इतना दिन तो मैं थानकी की हो कोनी, पर अब एक बात अच्छा तरीका हूँ, ध्यान रख जो, सुबह जल्दी उठनो है, 6 बजे नहीं उठनो है, 5 बजे उठनो है। काई है कि अटमारे घर के मायने नियम है, कोई 6 बजे कौन उठे, 6 बजे बटाबर वे सगला उठे, बाकी घर की बहू बहु 5 बजे उठ जावे। तो 5 बजे उठ जाया करो, ना धोर पचे रसोई के मायने आया करो। भी यहाँ तो थे धीरे धीरे अटरे हो जन, थाने सगला नियम ठा पड़ जाए, फिर मैं बता दू, ठीक है ना? अब यहाँ करो, आटो ओसन रख दीजो, रोटी इतनी बेगी मत बना जो, सब गरम रोटी जिम है, ई वास्ते भी टाइम गरम गरम फलका ही उतारना है। तो आटो तो गूंथ रख दो, यहाँ करो सगला जना के चाय बना दो, और चाय बना सगला ने बेका कमरा के मायने पकड़ाया हो। काई है कि मारे घर के मायने नियम है, कोई अट चाय ले बन रसोई में कोनिया वेलो मत, सगला ने कमरा के मायने देर आनी है, ठीक है ना? पकड़ा दीजो सगला कमरा के मायने, मन ही पकड़ा दीजो, ठीक है? ननद भाई सा तो क्यों कि शाम का सिर्फ दाल चावल ही बने, मम्मी जी कह रहे हैं कि रोटी भी बने, कि ध्यान नहीं कुनी। ननद भाई सा? अरे भाभी, लो चाय। थे मारे कमरा में चाय लेर क्यों आया? बारे हॉल में ही रख देता। वो काई है कि थे नया हो, ई वास्ते थाने ध्यान कोनी। ई घर को नियम है कि कोई भी आपका कमरा में चाय कौन पीवे, मैं सब हॉल में ही चाय पीवा, एक ही जगह पर। हॉल में? दरअसल काई है कि अटे भी मम्मी की हेल्प को सोचोड़ो है, काई है कि मम्मी एक एक जना ने कमरा में जा जा पकड़ाती तो मैंने कितनी परेशानी होती, ई वास्ते मैं सब मिलर नियम बनायो कि आपा चाहे सुबह की चाय हो चाहे शाम की चाय हो, एक जगह हॉल में बैठ रही पीवा, कोई ने भी पकड़ावा की जरूरत कोनी। पर मम्मी जी तो क्यों कमरा में ही पकड़ानी है? काय हुए भाभी सा? की कोनी ननद भाई सा, और सिर्फ चाय कोनी, कुछ भी चीज कोई ने भी ले जा पकड़ावा की जरूरत कोनी, मैं की सबकी आदत है कि मैं खुद ही लिया करा, खुद को काम खुद ही करिया करा, थे इतना परेशान मत होया करो। कोई बात कोनी, तो अट पकड़ा दी, आप पढ़ाई करो है, मैं खानो बनाऊ। अच्छा ठीक है। लो भाई जल्दी से खानो लगा दो, भूख लाग रही अब तो। हाँ हाँ, 2 मिनट बैठ, बाहर लगाऊ खानो लगाऊ, बीनणी लगा दे बैठ। थार पापा कटे, भाई कटे, अबे कोनी आया रोटी जिम बने? पापा भैया आ जाओ जल्दी से, खानो जिम लो। लो भाई मैं तो आएगो। आ जाओ बैठो, 2 मिनट बाहर बैठो यार, मैं यहाँ करूँ, भाभी ने थोड़ी सी हेल्प कर दू, किचन में सामान ले रहा, बैठ जा एक जगह।
तन कटे जरूरत है ऊट ऊट काम कर बाकी लिया भाभी मत या बार बीनणी ओ बीनणी माँ के सगला जना को खानो अट बोल के मायने दरी विचार अट लगा दो सगला जना की थालिया अट बैठ रही खावा सब जन। हाँ बीनणी बेटा लिया वो सगला को खानो अभी और थाकी और भैया की सबकी प्लेट अटी लगा दो। आप मैं सब साथ में बैठ रही खानो खाया करा थे भी माँ के साथ ही जीम लो भाभी आप साथ रोटी जीम ही जन रोटी कौन बनाई रोटी। हाँ आपा सब जना रोटी जी मार भाभी गरम गरम रोटियां बना बना आपा ने पुरुषी लाल लाल। पर मम्मी आपा तो शाम का सिर्फ दाल चावल ही खाया करा रोटी तो आपा बनावा ही कोनी। और पापा आपा के तो नियम होने कि आपा सब जना एक साथ बैठ रही खानो खाओ। हाँ जी बेटी बिल्कुल सही कह रही है आपा तो सब शाम का दाल चावल ही खाया करा फिर। बे सब नियम इतना दिन हाँ अब घर के मायने बहू आएगी ना अब सब नियम बदलगा। पर मम्मी आज तक तो ये सब नियम कोनिया घर में अचानक ही नियम क्यों बदलगा। हाँ अब रोजी ना शाम का दाल चावल के सागे सागे रोटी भी बनी चटनी भी बनी और कदे कदे सब्जी भी बनी। इतना दिन आपा सगला एक जगह बैठ चाय पीता लेकिन अब सगला ने आप आपकी चाय आप आपका कमरा के मायने ही मिली। और कोई ने भी कोई भी चीज की जरूरत है तो बीनणी ने कह दिया करो बीनणी मत ही लार पकड़ाई कोई ने भी खुद को काम खुद करवा की कोई जरूरत को नहीं है। पापा बेटा जी वो काई है कि घर के मायने बुआ आया पचे कुछ लुगाया नया नियम बना लिया करे कुछ लुगाया ना काई है कि बेटी बेटी ने कुचरना चाहिए शांति रह ही कौन सके कुछ यान की हुआ कि बुआ के आते हैं घर के मायने सब नियम वियम चेंज कर दिया करे खुद भले ही सुबह 7-8 बजे उठी पर बुआ बे की 5 बजे उठी उड़ी जई जे बेन ने खुद भले ही शाम का खाना कमायने घर के मायने दाल चावल खिचड़ी कटी चावल ए ही बनाई लेकिन बुआ का यहाँ पे 5-5 पकवान जई जे बेन ने खुद बलाई घर का दूजा सदस्य ने कदे पानी को लोटो भर रही कौन पकड़ावे पर बुआ कनु पूरी सेवा चाहिए बेने। हाँ तो गलत काई है एक मायने नहीं मैं पूछू गलत काई है इमे घर के मायने बुआ ने और लियावा काई वास्ते हाँ सेवा कराबा के वास्ते ही तो लियावा। हाँ नो और जद थक लोगा की सबकी सेवा बैठे बिठाई हो रही है जन थे बीच बीच में क्यों कूदो काम के वास्ते उल्टो थाने तो राजी होनो चीजे के थाने थाकी चीजा जगह बैठा बैठा मिल जाए कमरा में बैठा बैठा चाय मिल जाए पानी मिल जाए थाने सगला ने खानो बनेडो मिल जाए सब कुछ मिल जाए थाने काई जो बात को जोर आवे मैं कोई नियम बनाया हूँ तो आपा सबके वास्ते बनाया हूँ कोई मारी अकेली के वास्ते कौन बनाया हूँ। मम्मी मानना तो कोनी चाहिए सेवा थे चाहे कुछ भी बोलो मम्मी लेकिन मैं तो आज तक जिया रहता आया आने बिया ही रे। देखो दीरानी जी ए नियम थे थक वास्ते रखो मारे वास्ते तो मत बनाओ मारे वास्ते तो आज तक जिया ही घर में चाल तो आयो है ना आगे भी बिया ही चाल बात। हाँ अगर भाभी यहाँ सारो दिन 24 घंटा आपा लोगा की सेवा में ही लागी रही तो इन्हें खुद के वास्ते टाइम कड़े मिली। मम्मी तो बीनणी ने खुद के वास्ते टाइम निकाल करनो का ही है बुआ को तो काम ही है सबकी सेवा करनो। मम्मी कौन सा जमाना के मायने बैठा हो कट्टे लिखियोड़ो है कि बहू ने खुद के वास्ते टाइम कौन चाहिए। अरे बे की भी तो कोई जिंदगी है बे भी तो जिंदगी में कुछ करना होलो बे भी तो कुछ सोचता होला कि मैं पढ़ा लिखा खुद की हॉबी करा कुछ नहीं है कि कोई लुगाया ने ना बुआ को शांति में बैठोड़ो सुहावे ही कुन्नी। मम्मी मैं लोग बे सब नियम क्यों बनाया पहली कि थाने आराम मिले थोड़ो तो बे ही नियम चालबा दो ताकि भाभी ने भी आराम मिली थोड़ो। आ घर की बहू है कोई नौकरानी थोड़ी ले आ आपा के जो को सगला की सेवा कर रही है क्योंकि सेवा की जरूरत बहन पड़िया करे जगह का खुद का हाथ पग काम नहीं करे और भगवान की दया हूँ हाल आपा सगला का हाथ पग बहुत अच्छी तरीके हूँ काम करे और जब आपा का हाथ पग अच्छी तरीके हूँ काम कर रहा है आपा खुद को काम खुद कर सका। हाँ चढ़े क्यों फालतू के मायने घर में आयोड़ी कोई टाबर ने परेशान कर लो। और भैया भी धीराणी जी वो घर है आपा को इन्हें घर ही रेवा दो होटल मत बनाओ। जी हाँ होटल के मायने ऑर्डर देते हैं वेटर सब चीजा मैंने जगह जगह बैठा बैठा ने लाल पकड़ावे है ना बियान को सिस्टम अट घर के मायने मत करो के और रही बात सेवा की तो जद सेवा को टाइम आई जद मत्ते ही कर दे टाबर सेवा अगर आपा को व्यवहार सही हुई तो।
भी नहीं बेटा, मारे वास्ते तो कोई रोटी की चटनी की सब्जी की जरूरत को नहीं है शाम का। मैं रोज शाम का जो दाल चावल खाता आया हूँ, मैं बिया नहीं खाऊं। एन चाहिए तो एक बना दो। ई चीज के मायने मेल कोई भी था के सागे कोनिया, माने कोई सेवा कोनी करवानी भाभी को, माँ को खुद को काम मैं खुद कर सका। और आज तक जिया शाम का मैं दाल चावल खाता आया हूँ, मैं दाल चावल ही खावा। रोटी जिया बना रखनी है भाभी, सुबह सबकी बना रख दिया करो एक साथ, मैं अपने आप ले लेवा और खा लेवा। और चाय भी हॉल में ही पीवा, कोई कमरा वमरा में पकड़ावा की जरूरत कोनी भाभी आप। वाह ठीक है जन बचे, ए नन्नी चीजें तो मारे कट सेवा चीजें, मारा ही हाथ पग चाले, मैं तो खुद ही कर लू मारी। रेवा दो सब लोग खानो लिया और थे आ जाओ बैठ जाओ सब साथ ही जी माँ। चलो भाभी मैं था की हेल्प करूँ।